घटना 27/3/2012 की है। नाबालिग पीड़िता जो कि पुष्कर की रहने वाली थी, वह अपने स्कूल के लिए जा रही थी बस में बैठ के, तो उसके रिश्ते में जो उसके यहाँ काम करता था उसके पिताजी की दुकान पे, वो उसके रिश्ते में मामा भी लगता था, तो वह वहाँ पर आया और उसने बस से उसको उतरवा लिया, उतरवा के उसको अपने बेला फुसला के अपने साथ लेके चला गया। तो उसको लेके हैदराबाद सिकंदराबाद ले गया, वहाँ से वो बड़ौदा गुजरात अलग अलग जगह लेके गया और जगह जगह जहाँ जहाँ लेके गया वहाँ हैदराबाद के अंदर भी उसको रखा। वहाँ पर उसके साथ उसने गलत काम किया, गलत काम करने के बाद उसके एक बच्चा भी हो गया इस दौरान। बाद में उसकी पिताजी ने यहाँ रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लिखाने के बाद वह कहीं मिला नहीं। 2017 के अंदर 3/1/2017 को लड़की को, नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया, तो वह उस समय एक बच्चे की माँ थी और एक बच्चा उसके पेट में था। बाद में 5/1/17 को मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ माननीय न्यायालय के अंदर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने की तरफ से इसमें 6 गवाह प्रस्तुत किए गए और इसके अंदर माननीय न्यायालय ने आज निर्णय सुनाते हुए मुलजिम को धारा 5(i) और 2(6) के अंदर 14 साल 10 हज़ार जुर्माना, 5(l)(6) के अंदर 14 साल 10 हज़ार जुर्माना, 376(2)(i) IPC के तहत 14 साल 10 हज़ार जुर्माना, धारा 376(2)(n) के तहत 14 साल 10 हज़ार जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 साल की सजा और 5 हज़ार जुर्माना, धारा 366(a) के तहत 5 साल और 5 हज़ार जुर्माना, धारा 368 के तहत 5 साल और 5 हज़ार जुर्माना, धारा 344 के तहत 2 साल और 2 हज़ार जुर्माना, धारा 346 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारोबार से शासित दंडित किया गया है। कौन आ रहा है? नाम क्या? नाम कानाराम, मुलजिम का नाम कानाराम।